हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सेकंड क्लास की इंग्लिश का एक चैप्टर रीड करवाने वाली हूँ। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। यू कैन सी दिस चैप्टर। जैसा कि आप इस चैप्टर में देख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम है वर्ल्ड बुक डे। सारे बच्चे अपने हाथ में पेंसिल्स रखेंगे, अदरवाइज फिंगर से मेरे साथ साथ इसको रिपीट करेंगे, मेरे साथ साथ इसको रिपीट करेंगे। ओके अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्यूज फैमिली लिव्स इन अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड। स्यू की फैमिली इंग्लैंड के छोटे शहर में रहती थी। एन इज हर यंगर सिस्टर। एन उसकी छोटी बहन थी। एन किसकी छोटी बहन थी? स्यू की। देयर हाउस इज नियर द टाउन हॉल। उनका घर टाउन हॉल के पास था। द टाउन हॉल हैज अ स्मॉल लाइब्रेरी। टाउन हॉल में क्या थी? एक छोटी लाइब्रेरी। स्यू मदर ऑफ्टन टेक्स हर चिल्ड्रन टू द लाइब्रेरी। स्यू की मम्मी अक्सर अपने बच्चों के साथ उस लाइब्रेरी में जाया करती थी। स्यू रीड्स स्टोरी बुक्स एंड हर मदर रीड न्यूज़पेपर और मैगजीन। स्यू स्टोरी बुक पढ़ना पसंद करती थी और स्यू की मम्मा न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ना पसंद करती थी। टुडे इज द वर्ल्ड बुक डे। आज क्या है? वर्ल्ड बुक डे है। देयर आर मैनी चिल्ड्रंस इन द लाइब्रेरी। वहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं बच्चों? लाइब्रेरी में। डेविड इज ऑल्सो देयर विद हिज मदर। डेविड भी अपनी मम्मा के साथ आया हुआ है। ही स्टडीज इन स्यू क्लास। वो स्यू की क्लास में ही पढ़ता है। वो स्यू का क्लासमेट है। ही डज नॉट लाइक टू रीड बुक्स। उसको बुक पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ही लव्स टू प्ले फुटबॉल और डू लाइक स्केटिंग। उसको फुटबॉल खेलना और आइस स्केटिंग करना पसंद है। डेविड डेविड कहता है अपनी मम्मा से, मम्मा आई हेट बुक्स। मुझे बुक्स पसंद नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट टू केम हेयर। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। डेविड की मम्मा कहती है, डेविड रीडिंग इज फन। पढ़ना मजेदार होता है। बट बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। बुक्स तो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है। यू कैन लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम देम। तुम बुक्स के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हो। डेविड ओ नो मम्मा, आई लाइक स्पोर्ट्स एंड गेम। मुझे स्पोर्ट्स और गेम पसंद है। आई वॉन्ट टू बी अ स्पोर्ट्स मैन। मैं एक स्पोर्ट्स मैन बनना चाहता हूँ। डेविड की मम्मा कहती हैं, डेट इज गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है। बट अ स्पोर्ट्स मैन आल्सो रीड बुक्स। स्पोर्ट्स मैन भी तो बुक्स पढ़ते हैं। जस्ट एट दैट टाइम, कुछ उसी समय पर मिसिस स्मिथ केम देयर। मिसिस स्मिथ वहां आ जाती हैं। शी वॉज अ टीचर इन स्यूज स्कूल। वो स्यू की स्कूल में टीचर है। बट शी डिड नॉट टीच यू एंड डेविड। पर वो सू और डेविड को नहीं पढ़ाती। शी टॉट ओल्डर चिल्ड्रंस। वो बड़े बच्चों को पढ़ाती हैं। मिसिस स्मिथ स्टार्टेड रीडिंग आउट अ स्टोरी टू द चिल्ड्रंस। मिसेस स्मिथ ने एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया। किनको? बच्चों को। द स्टोरी वॉज अबाउट अ ब्रेव बॉय कॉल्ड जैक। वो स्टोरी एक बहादुर बच्चे की थी जिसका नाम है जैक। वन डे एक दिन जैक वॉज स्टैंडिंग ऑन द सीशोर। जैक समुद्र के किनारे पर खड़ा था।
was looking at the colorful boats. He was looking at the colorful boats. वह colorful boat को देख रहा था. In fact, he was waiting for the seagulls. असल में वह seagulls का wait कर रहा था. बच्चों seagulls क्या होती हैं? समुद्र के तट पे किनारे पे जो चिड़िया होती हैं व्हाइट कलर की उनको सीगल्स बोलते हैं. बट ही कुड नॉट फाइंड एनी पर वो किसी को भी नहीं ढूंढ पाया. ही वांटेड टू टेक देयर फोटोग्राफ. जैक उनकी फोटोग्राफ लेना चाहता था. सडनली ही सा अ बॉय इन वाटर वेविंग इन हिज हैंड. अचानक उसने देखा एक लड़का पानी में अपने हाथ हिला रहा था. एक्चुअली द बॉय वॉज ड्रॉनिंग. असल में वे बच्चा डूब रहा था. एक्चुअली द बॉय वॉज ड्रॉनिंग. असल में वे बच्चा डूब रहा था. ही वॉज क्राइंग फॉर हेल्प. वो मदद के लिए रो रहा था. जैक जंप्ड इनटू द सी. जैक ने समुद्र में छलांग लगा दी. ही स्वैम अप टू द बॉय. वह तैरकर लड़के के पास गया. कॉट हिज आर्म्स एंड ब्रॉट हिम टू द सीशोर. जैक ने लड़के को हाथ से पकड़ा और तैरकर समुद्र के किनारे आ गया. ही सेव्ड द बॉय. उसने लड़के की जान बचा ली. लेटर ही गॉट एन अवार्ड फ्रॉम हिज ब्रेवरी. कुछ समय बाद उसको इस बहादुरी के लिए अवार्ड मिला. आफ्टर सम ईयर्स ही बिकेम अ लाइफ गार्ड. कुछ सालों बाद वह लाइफ गार्ड बन गया. नाउ ही लुक्स आफ्टर द सेफ्टी ऑफ स्विमर्स. वह स्विमर्स की सेफ्टी करने लगा. बच्चों लाइफगार्ड कौन होते हैं? जो समुद्र के किनारे पे स्विमर्स आते हैं, सैलानी आते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए जो वर्क करते हैं उनको लाइफगार्ड कहते हैं. डेविड लाइक द स्टोरी. डेविड को स्टोरी बहुत पसंद आई. डेविड, थैंक यू मिसेस स्मिथ. आई वॉन्ट टू बी लाइक जैक. थैंक यू मिसेस स्मिथ. मैं भी जैक की तरह बनना चाहता हूँ. आई मस्ट बिकेम अ ग्रेट मैन लाइक हिम. मैं भी इन महान व्यक्तियों की तरह बनना चाहता हूँ. बट हाउ. पर कैसे? मिसेस स्मिथ, रीड अबाउट ग्रेट पीपल लाइक फ्लोरेंस नाइटिंगेल और अब्राहम लिंकन. तुम इन महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ सकते हो जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल और अब्राहम लिंकन. बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है? यह एक समाज सेविका थी. ये नर्स थी जिन्होंने युद्ध में घायल हुए सैनिकों का उपचार किया और उनकी मदद की. और अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट थे. देयर आर सो मैनी बुक्स इन दिस लाइब्रेरी. ऐसी बहुत सी बुक्स हैं इस लाइब्रेरी में. You can learn many things from them. जिनको पढ़कर तुम इनके बारे में जान सकते हो. Sue, Mrs. Smith, I want to know about cooking and other housework. Sue कहती है Mrs. Smith से, I want to know about cooking and other housework. मैं भी cooking करना, खाना बनाना और घर के बाकी काम सीखना चाहती हूँ. I want to help my mother. मैं अपनी मम्मी की मदद करना चाहती हूँ. Can I read some books on that? क्या मैं इनके बारे में कुछ बुक्स पढ़ सकती हूँ? Mrs. Smith, of course. There are books and magazines that teach you cooking. कि ऐसी बहुत सी बुक्स है जिनको पढ़कर तुम खाना बनाना सीख सकती हो. But no cooking on fire. You are still very young. पर अभी तुम आग नहीं जला सकती क्योंकि तुम बहुत छोटी हो. एंड मिसेस स्मिथ, आई कांट रीड. मैं पढ़ना नहीं जानती. बट आई वॉन्ट टू रीड कॉमिक.
पर मैं मुझे कॉमिक पढ़नी है। मिसेस स्मिथ, माय लिटिल एंजल, मेरी छोटी सी परी, यू मस्ट रीड पिक्चर बुक्स टिल यू लर्न टू रीड। जब तक तुम पढ़ना नहीं जान सीखती तब तक तुम टेक सम एन। मिसेस स्मिथ, आई कांट रीड, मैं पढ़ना नहीं जानती, बट आई वॉन्ट टू रीड कॉमिक, पर मैं कॉमिक पढ़ना चाहती हूँ। मिसेस स्मिथ, माई लिटिल एंजल, मेरी छोटी परी, यू मस्ट रीड पिक्चर बुक्स टिल यू लर्न टू रीड। जब तक तुम पढ़ना नहीं सीखती जब तक तुम पिक्चर बुक्स देख सकती हो। टेक सम सी डीज फ्रॉम द लाइब्रेरी, ऐसी बहुत सारी सी डीज इस लाइब्रेरी में हैं, मम्मा विल प्ले देम फॉर यू, मम्मा वो आपके लिए प्ले कर देंगी। एंड थैंक यू मिसेस स्मिथ, थैंक यू मिसेस स्मिथ, प्लीज रीड अस द स्टोरी ऑफ अ फेरी नेक्स्ट टाइम। क्या आप हमें नेक्स्ट टाइम एक परी की कहानी सुना सकती हैं? मिसेस स्मिथ, ओके चिल्ड्रन, ओके चिल्ड्रन, बाय फॉर टुडे, आज के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलेंगे। चिल्ड्रंस, बाय बाय मिसेस स्मिथ। ओके बच्चों, आपने इस चैप्टर की रीडिंग लगाई है मेरे साथ। आपका होमवर्क ये है कि आप 2 टाइम इसकी रीडिंग लगाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको करवा दूंगी। ओके बाय बच्चों।